प्रयागराज रिजर्व पुलिस लाइन में दैनिक जागरण द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी संजय कुमार खत्री, पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमित शर्मा, आईजी रेंज चंद्र प्रकाश शर्मा, दैनिक जागरण के संपादक व अन्य अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और आईजी चंद्र प्रकाश शर्मा, जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री और सभी अधिकारी गणों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए शपथ ली। वहीं पुलिस कमिश्नर अमित शर्मा ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वहीं सभी अपने परिवारजनों रिश्तेदारों को भी पालन करने के लिए बोलें और गाड़ी तेज न चलाएं जिससे कि दुर्घटना न हो। वहीं इस यात्रा में 5 लोग जुड़ रहे हैं और सभी रोड पर बने डिवाइडर पर लाइटें लगाई जाएं जिससे रात में रोड पर चलने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं लोहिया कानपुर रोड पर ट्रैफिक पुलिस लगाई जाएगी जिससे तेज स्पीड में चलने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए। कार्यक्रम में हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर मैं जब भी गाड़ी या यातायात के नियमों का पालन नहीं करते या गाड़ी तेज चलवाते हैं या चलाते हैं तो हम लोगों का एक बेसिक अजम्पशन होता है कि सब कुछ ठीक रहेगा और सिर्फ थोड़ी सी दूर भगा देंगे गाड़ी या थोड़ा तेज चल देंगे या नियम का पालन नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर इसमें कुछ बिगड़ता है तो हमारे पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और सब इरिवर्सिबल हैं। जब तक किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती तब तक वो ये मान के चलता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, बाकी किसी के साथ भी हो सकता है। जब तक मेरे ट्रेन छूटी नहीं थी पहली बार तब तक मैं हमेशा मान के चलता था कि कुछ भी हो जाए ट्रेन तो मिल ही जाएगी। कभी लेट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो अगर मैं कितने बजे भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचूं ट्रेन तो मिल ही जाएगी। जब पहली बार ट्रेन छूटी तो फिर उसके बाद से आगे से टाइम से पहुंचना शुरू कर दिया। फ़्लाइट के लिए लगता था कि फ़्लाइट कभी नहीं छूट सकती, आप पहुँच जाएंगे तो कैसे ना कैसे फ़्लाइट मिल ही जाएगी। जब पहली बार फ़्लाइट छूटी उसके बाद से समझ में आया कि सबसे पहले टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। ट्रेन छूटना, फ्लाइट छूटना, ये रिवर्सिबल चीज़ें हैं। छूट गई तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप अगली ट्रेन पकड़ के या अगली फ़्लाइट पकड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर दुर्घटना घट गई और ईश्वर ना करे कि हमारे साथ कभी कोई बड़ी बात हो गई तो वो रिवर्सिबल नहीं है, वो दोबारा नहीं वापस आ सकता। बहुत साधारण शब्दों में कहें तो इस कार्यक्रम का महत्व ये है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो शपथ हम लोग करने जा रहे हैं उसमें जो मैंने पढ़ा उसमें सभी बिंदु शपथ के बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरी अपनी समझ में जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लगा वो ये लगा कि मैं यातायात के नियमों का अपने परिवारजनों से पालन कराऊंगा। जिन भी लोगों से हम प्यार करते हैं, जिन भी लोगों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के हों, हमारे मित्र हों या हमारी जान पहचान के लोग हों, अगर हम उन्हें वास्तव में दिल से चाहते हैं तो हमें शायद कहीं ना कहीं उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि यातायात के नियमों का पालन करें। हर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं चाहेगा कि वो बिना हेलमेट के या बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाए, भले ही डर के मारे वो अपने बेटे से ना बोल पा रहा हो, लेकिन वो शायद दिल में यही चाहेगा कि वो सेफली गाड़ी चलाए। हर आदमी जिसको हम चाहते हैं उससे हम हमेशा ही चाहेंगे कि यातायात के नियमों का पालन करें। इस वजह से नहीं कि आपको फाइन लगेगा या आपका चालान हो जाएगा, बल्कि इस वजह से कि ये सारे नियम आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए डिज़ाइन हैं।